गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम क्लास 7 सब्जेक्ट SST. इन द प्रीवियस असाइनमेंट यू हैव रेड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर एंड टेम्परेचर. इन दिस असाइनमेंट यू विल रीड अबाउट एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर. देखिए बेटा, एयर प्रेशर. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द एयर अबव अस presses us with a great force, मैंने बल, on our body. आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, बहुत आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, ठीक है, great force के साथ बल लगाती है. However, we don't even feel it, और यहाँ तक कि हम उसे महसूस ही नहीं कर पाते. This is because the air presses us from all direction and our body exert a counter pressure. यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से, ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं से लगता है. एंड अवर बॉडी, और जो हमारा शरीर है वो एक काउंटर प्रेसेस, एक विपरीत दिशा में एक्सर्ट मैंने होता है बल लगाता है. मींस हमारा शरीर विपरीत दिशा में बल लगाता है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. यहाँ पर एयर प्रेशर की डेफिनेशन दी है कि वास्तव में एयर प्रेशर यानी कि वायुदाब क्या है. पृथ्वी की सतह पर एयर प्रेशर इज डिफाइंड, एयर प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रेशर, वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर जो वायु के भार ने लगाया ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर. यानी कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है वो वायुदाब कहलाता है. एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, जैसे जैसे आप वायुमंडल की ऊपर की परत पर जाते हैं, द प्रेशर्स फॉल रैपिडली, तो जो आपका प्रेशर है फॉल गिरता है रैपिडली, तेजी से, मतलब जो वायु का दाब है वो तेजी से घटता है. द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल, वायु का जो दाब है वो समुद्र के लेवल पर सबसे ज्यादा होता है. एंड डिक्रीजेज विद हाइट, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वो डिक्रीजेज कम होता चला जाता है. Horizontally, the distribution of the air influenced by the temperature of the air at a given place. वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है. In area where the temperature is high, जिस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है, the air gets heated, जो वायु है वो गर्म हो जाती है and rises ऊपर की तरफ उठती है. दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, जिसके कारण वहां पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है. लो प्रेशर इज एसोसिएटेड मतलब संबंधित, जो निम्न दाब क्षेत्र संबंधित है विद क्लाउडी स्काइज, वहां पर मतलब आकाश में बादल होते हैं. एंड वेट वेदर, जो और मौसम है उसमें नमी होती है. मीन्स जहां पर क्या है, लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर एरिया बनता है, मतलब वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और वहां पर लो प्रेशर एरिया बनता है. ऐसी जगह पर आकाश में बादल छाए रहते हैं और मौसम में नमी होती है. इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, और ऐसा एरिया जहां पर टेम्परेचर लोअर हो, मतलब तापमान कम हो, वहां पर जो हवा है वो ठंडी होती है. इट इज देयरफॉर, इसलिए हैवी, और वो हैवी होती है, भारी होती है. हैवी एयर सिंक्स, जो हैवी एयर है वो नीचे की तरफ आती है. एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया, और उच्च दाब क्षेत्र बनाती है. हाई एयर प्रेशर इज एसोसिएटेड, जो उच्च दाब क्षेत्र है वो संबंधित है विद क्लियर एंड सनी स्काई, मतलब वहां पर जो आकाश है वो साफ होता है, धूप निकली रहती है. द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, जो एयर है, जो वायु है, हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है. मीन्स हाई प्रेशर में क्या था, वायु ठंडी थी, ठंडी होने के कारण भारी थी, जो नीचे की तरफ आ रही थी, तो हमेशा जो ठंडी वायु है वो गर्म वायु की तरफ बढ़ती है. मीन्स जो वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है. ये देखिए, जो हमने पिछले असाइनमेंट में टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था उसी के बारे में दिया है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को मापने की जो स्टैंडर्ड, जो मानक इकाई है, इज डिग्री सेल्सियस, वो डिग्री सेल्सियस है. इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंड्रस सेल्सियस, जिसका आविष्कार एंड्रस सेल्सियस ने किया था. ऑन दिस सेल्सियस स्केल, और इस सेल्सियस इकाई पर, द वॉटर फ्रीजेस, पानी जमने लगता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पर.
एंड बॉयल्स और पानी उबलने लगता है एट 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर। आगे देखिए विंड यानी पवन। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब पवने हाई प्रेशर जो एयर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है तो उसे हम विंड कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि वायु जो है हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है और जब ये पवन चलती है तो उसे विंड कहा जाता है। यू कैन सी विंड वर्क एट वर्क एज ए ड्राई लीव्स डाउन एट द पावमेंट एंड अपरूट ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। आपने देखा होगा कि पवन कैसे काम करती है, वो अपने साथ बहाकर ले जाती है जब पवन चलती है ड्राई लीव्स सूखी पत्तियों को, पावमेंट जो सड़क पर या पगडंडी पर सूखी पत्तियां पड़ी हैं उन्हें अपने साथ बहा लेती है या फिर अपरूट्स या उखाड़ देती है ट्रीज पेड़ों को ड्यूरिंग द स्टॉर्म तूफान के समय। समटाइम्स वेन द विंड ब्लो कभी कभी जब पवन चलती है जेंटली शांत मतलब सौम्य रूप से सही सही पवन चलती है जब तेज गति नहीं होती। यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट तब भी आप देखेंगे कि वो अपने साथ धुएं को और मिट्टी के कणों को उड़ाती है। एट टाइम्स विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग सो स्ट्रॉन्ग दैट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। जब ऐसा समय होता है कि पवन बहुत तेज गति से चलती है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है हवा के विपरीत दिशा में चलना। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड आपने अनुभव भी किया होगा इट इज नॉट ईजी टू होल्ड एन एम्ब्रेला कि हमारे लिए छाते को संभालना होल्ड मैंने पकड़ना हमारे लिए छाते को पकड़ना या उसे संभालना आसान नहीं होता ऑन अ विंडी डे एक जब बहुत ज्यादा पवन चलती है उस दिन में। ठीक है विंडी डे जब होता है क्योंकि हम अगर उसके विपरीत दिशा में चलने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा अम्ब्रेला है वो पीछे की तरफ जाता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स वेन स्ट्रॉन्ग विंड हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। आप कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जब पवन ने आपके लिए कुछ मुसीबत खड़ी की हो या आपके आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो, जैसे कि हम साइकिल चलाना चाहें विंड के विपरीत डायरेक्शन में तो हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स पवनों को हम तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है परमानेंट विंड, परमानेंट मतलब स्थायी पवने जो पूरा साल चलती हैं। द ट्रेड विंड्स जो व्यापारिक पवने हैं वेस्टरलाइज एंड द ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड, ये जो पूर्वी और पश्चिमी पवने हैं ये स्थायी पवने हैं। दीज ब्लो ये बहती हैं या चलती हैं कॉन्स्टेंटली लगातार थ्रू आउट द ईयर पूरे के पूरे वर्ष इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एक निश्चित दिशा में, मतलब जो पवने एक निश्चित दिशा में पूरे साल चलती हैं उन्हें हम परमानेंट विंड कहते हैं। सीजनल विंड दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, ये जो पवने हैं सीजन के अकॉर्डिंग अपनी दिशा को चेंज करती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है मानसून इन इंडिया, जब भारत में मानसून आता है तो जो मानसून जो पवने हैं वो आपकी सीजनल विंड है क्योंकि ये मौसम के अनुसार ही बहती हैं। लोकल विंड्स दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और इन अ स्मॉल एरिया। लोकल विंड यानी कि स्थानीय पवने दीज ब्लो ये बहती हैं ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड एक निश्चित समय में, किसका निश्चित समय ऑफ द डे दिन का निश्चित समय हो और ईयर या फिर किसी साल का निश्चित काल हो, इन अ स्मॉल एरिया एक छोटे से एरिया में किसी एक छोटे से एरिया में दिन के समय एक निश्चित समय में बहने वाली जो पवने हैं उन्हें हम स्थानीय पवने कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जैसे कि आपकी स्थलीय पवने और समुद्री पवने। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, क्या आपको याद है कि भारत क्या जो प्लेन है जो भारत का जो प्लेन है जो मैदानी क्षेत्र है उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वहां पर जो पवन बहती है गर्म और शुष्क जो पवन बहती है इट इज कॉल्ड लू, उसे लू कहा जाता है। ये देखिए डायग्राम में ये आपका इक्वेटर है। ठीक है अब इक्वेटर पर सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती हैं तो तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा है तो यहाँ पर आपका लो प्रेशर बनता है और ये जो आपके पोल हैं यहाँ पर सन की रेज स्लैंटिंग ना के बराबर बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग पड़ती है जिसके कारण यहाँ सर्दी होती है और यहाँ की जो पवन है वो भी ठंडी होती है और यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है और जो हमारी पवने हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। मीन्स गर्म पवने ऊपर की तरफ उठती हैं तो उनका स्थान लेने के लिए ठंडी पवने आ जाती हैं। देखिए मॉइस्चर
मॉइस्चर मैंने आर्द्रता, या हम इसे ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं। व्हेन वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, जब पानी जो है वाष्पित होता है धरती से या फिर वाटर बॉडीज से, इट बिकम्स वाटर वेपर, तो वो जल वाष्प बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, वायु में किसी भी समय आर्द्रता की जो मात्रा है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, कितने जल वाष्प है वायु के अंदर उस समय, वो उसकी ह्यूमिडिटी कहलाएगी। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, जब वायु वाटर वेपर से फुल होगी, वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे, तो हम उसे एक आर्द्र दिन कहेंगे। एज द एयर गेट्स वार्मर, और जब वायु गर्म होगी, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस, तो जल वाष्प को धारण करने की इसकी क्षमता बढ़ जाएगी, एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, और ये ज्यादा ज्यादा आर्द्र हो जाएगी। उन्हें ह्यूमिड डे, एक आर्द्र दिन में, क्लोथ टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम अवर बॉडी डज नॉट गेट इवापोरेट इजिली, मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। एक आर्द्र दिन में जो हमारे कपड़े हैं वो सूखने में ज्यादा समय लेते हैं, और हमारे शरीर से जल्दी से पसीना भी नहीं सूखता, और हम बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि उस वक्त वायु में जल वाष्प की मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण वो और जल वाष्प को धारण नहीं कर सकती। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जब जल वाष्प ऊपर उठते हैं, इट स्टार्ट कूलिंग, तो वो ठंडे होने लगते हैं। द वाटर वेपर्स कंडेंस, तो ये वाटर वेपर कंडेंस संघनित होते हैं, कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, जिसके कारण वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में आ जाते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, जो बादल हैं वो इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट के कारण बनते हैं। व्हेन दीज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, और जब पानी की ये जो बूंदें हैं बहुत हैवी हो जाती हैं टू फ्लोट इन एयर, तो वो हवा में तैरने लगती हैं। देन दे बिकम डाउन एज प्रिसिपिटेशन, तो वो वर्षण के रूप में धरती पर आती हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई, जब आकाश में जेट प्लेन उड़ते हैं, लीव इट अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, तो अपने पीछे वाइट ट्रेल, एक सफ़ेद पट्टी छोड़ते हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम द इंजन, ये इंजन का मॉइस्चर है कंडेंस, जो कि संघनित होकर हमें सफ़ेद रूप में नजर आता है। वी सी ट्रेल ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम, हम कुछ समय के लिए सफ़ेद पट्टी को देखते हैं। व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, जब तक कि कोई एयर उस मूवमेंट उसको डिस्टर्ब नहीं करती। प्रिसिपिटेशन दैट कम डाउन ऑन द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, वर्षण जो पृथ्वी पर बारिश के रूप में आता है, मतलब जल के रूप में आता है, उसे हम बारिश कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, ज़्यादातर जो भूमिगत पानी है, जो धरती के नीचे पानी पाया जाता है, वो वर्षा के जल से ही प्राप्त होता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, जो पौधे हैं वो पानी को बचाते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन द हिल साइड आर कट, जब पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों को काट दिया जाता है, रेन वाटर फ्लोज डाउन अ बेयर माउंटेन, जब ऐसे खाली पर्वतों से पानी नीचे की तरफ बहता है, कैन कोज फ्लडिंग ऑन द लो लेइंग एरिया, तो निचले प्रदेशों में बाढ़ आ जाती है। ऑन दीज बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, और इस क्रियाविधि के आधार पर, देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तीन प्रकार की रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ये देखिए साइक्लोनिक रेनफॉल, इसमें जो है गर्म हवा ऊपर उठी और ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए आई और बादल बने और बारिश हुई। यह है रिलीफ रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा, पर्वतों के साथ साथ बारिश ऊपर की तरफ ये जा रहे हैं बादल और बारिश हो रही है, यह है आपकी ऑरोग्राफिक रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल, जब धरती गर्म हुई और गर्म हवा ऊपर उठी, बादल बने और बारिश हुई, वो हो गई आपकी संवहनीय वर्षा। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स, पेड़ पौधों के जीवन के लिए और एनिमल के जीवन के लिए वर्षा बहुत जरूरी है। ड्रिंक फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, ये पृथ्वी पर ताजा पानी लाती है। रेनफॉल इज लेस, जब वर्षा कम हो, वाटर स्कर्सिटी एंड द ड्रॉट ऑकर, तो पानी की कमी होती है और सूखा होता है। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज मोर, यदि बारिश ज्यादा हो, फ्लड्स टेक प्लेस, तो बाढ़ आ सकती है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.